जहां पहिया है, लेखक पी साईनाथ। लेखक पी साईनाथ ने इस पाठ में तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव की स्त्रियों द्वारा संचालित साइकिल आंदोलन के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्त्रियों का साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन की तरह है। यहाँ की हजारों नई नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। जहाँ देखो स्त्रियाँ साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर होकर यह साबित कर दिया है कि साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से ज्यादातर नई पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी समाज से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, लेखक से उसने कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। फातिमा ने बताया कि जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग ताने देते थे, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बोली, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में शामिल है महिला मजदूर, नर्से, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ग्राम सेविकाएं, अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर यानी नई नई पढ़ी लिखी हैं। लेखक ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। लेकिन जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई जिसे इन्हें झेलना पड़ा, पर धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। लेखक कहते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलकुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा होती हैं। नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, जो साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देता है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। लेखक पुडुकोट्टई गांव का एक दृश्य बताते हुए कहते हैं कि अब महिला दिवस के दिन नजारा बदल गया है। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। चारों तरफ स्त्रियां साइकिल पर नजर आ रही थी और इन्होंने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हिस्सा लिया। लेखक अब कुदिमी अन्नामलई की बात कर रहा है। यह भी पुडुकोट्टई जिले का एक गांव है। उन्होंने वहां देखा कि गर्मी की दोपहर में किस तरह से पत्थर की खदानों में काम करने वाली 22 वर्षीय मनोरमनी लोगों को साइकिल चलाना सिखा रही हैं। जब लेखक ने मनोरमनी से बात की तो उसने लेखक को बताया कि उनका इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, वहां यातायात सुविधा नहीं मिलती। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनके काम में वृद्धि आ जाती है। लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाने के कुछ आर्थिक फायदे भी थे, इससे आय में वृद्धि हुई है।
यहाँ की कुछ महिलाएं आसपास के गांवों में खेती से संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में खर्च होने वाला उनका समय बच जाता है और उन्हें अपने लिए और अधिक समय और आराम मिल जाता है। लेखक कहता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह साइकिल भी नहीं खरीद सकती, तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। फिर उन्हें घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था, क्योंकि स्त्रियां घर और बाहर दोनों जगह सब काम संभाल रही हैं। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। जैसे युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जाती है। वह अपने साथ पानी से भरे दो या तीन बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। लेखक कहते हैं, महिलाओं का आर्थिक पहलू तो सुधरा ही है, इसके अलावा साइकिल सीखने से महिलाओं के अंदर उनका अपने ऊपर विश्वास, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा लेखक से कहती है कि यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, वह तो किराए पर साइकिल लेकर चलाती है जिससे पैसे ही बर्बाद करती है, लेकिन उन्हें साइकिल चलाने का शौक है। वह कहती है कि इससे उसे खुशी मिलती है। लेखक कहता है कि एक महिला ने उन्हें बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल पर काम पर आना जाना कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इस आंदोलन से महिलाओं ने न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। पुरुष वर्ग को इससे एतराज नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो भी अब महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे भाव शब्द में आ उपसर्ग लगने से नया शब्द बना अभाव। आइए अब पाठ में आए कुछ उपसर्ग वाले शब्दों को देखते हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सज्जन शब्द में ता प्रत्यय लगने से नया शब्द बना सज्जनता।